नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। प्रदेश भर में मानवाधिकार सुविधाओं का जायजा लेने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग की टीम विभिन्न जिलों के दौरे पर है। इसी कड़ी में आयोग की टीम ने करनाल में सेफ्टी होम और नारी निकेतन सहित अन्य संस्थानों का दौरा किया। आपको बता दें कि राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस एस के मित्तल की अध्यक्षता में आयोग ने आज मधुबन स्थित सेफ्टी होम और करनाल में नारी निकेतन में सुविधाओं का जायजा लिया। टीम ने यहां बच्चों और महिलाओं से भी बात की और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। पत्रकारों से बातचीत में जस्टिस एस के मित्तल ने कहा कि यहां सब ठीक है, सुझाव आते रहते हैं। हमारी टीम के अधिकारियों ने नारी निकेतन में रह रही महिलाओं से बात की है। जगह की तंगी के बारे में उन्होंने कहा कि महिलाओं की संख्या के हिसाब से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन ने कहा कि उनकी कोशिश है कि प्रदेश के हर जिले में सेफ्टी होम और ऑब्जर्वेशन होम की स्थापना की जाए। सुनो, हमें सेफ्टी होम जो है, देख रहे हैं कि सब ठीक है। छोटे मोटे सजेशन आते रहते हैं, वो हम सब ठीक करेंगे। तो पूरी क्या बात की? नहीं, सभी से जो इनमेट से सबसे मिले हम, उनसे हमारे जो लेडी ऑफिसर्स आए हमारे साथ, उन्होंने भी बात की तो उनकी बात को सुना। सर, जगह की काफी दिक्कत रहती है यहाँ? नहीं, जगह तो यहाँ इतनी अच्छा ही है, यहाँ दिक्कत नहीं है। पूरे हरियाणा में किस तरीके से सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं? सुधार के प्रयास हमारा ये रहेगा कि ऑब्जर्वेशन होम और सेफ्टी होम जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए। तो ये थे हमारे साथ जो हरियाणा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।